हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, शायद कितने बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। तो अभी स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल से आएगा ना, उसके बाद हम जाएंगे आज शायद ट्रेड फेयर में जो कि हिसार में है। तो वेट करते हैं इसके स्कूल से आने का, इतने में थोड़ी देर सोता हूँ। और यो ये रहा अली, तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, पीयूष आने वाला है। और एक चीज़ मैंने अभी देखी जो कि आप लोगों को बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये देखो पीयूष, पता है किसका चैनल है? ट्रिगर्ड इंसान की सिस्टर का चैनल है। आप लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने हमारी वीडियो में से कट करके ये सीन डाल रखा है अपनी वीडियो में। अब ये बात अगर पीयूष को पता चलेगी ना, तो पीयूष इतना खुश हो जाएगा, बिकॉज ट्रिगर्ड इंसान उसका फेवरेट क्रिएटर है। आज है 14th फेब और आज है वैलेंटाइंस डे, मुझे तो पता ही नहीं था। उस दिन हम किले पे गए थे ना, व्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा, तो उसमें पीयूष एक डायलॉग मारा था, तो उस डायलॉग का मीम बना दिया। तो पीयूष आ चुका है स्कूल से, तो तेरे सबसे पहले एक न्यूज देता हूँ मैं। एक न्यूज ये है कि देख, ध्यान से देख, अरे फिंगर प्रिंट लगाना पड़ेगा, इसे जानता है? पता है कौन है, बता। उसका लाल इंसान का भाई है। ये चैनल किसका है? देख ले फिर भाई, तू अगर तुझे देखना ही है तो। और आज है वैलेंटाइंस डे, मुझे तो पता ही नहीं था। और आप जानते हो मेरा बर्थडे था भी 8 फेब को, प्रेरणा क्या था, क्या था मेरा लगा था। आज है वैलेंटाइंस डे, मुझे तो पता ही नहीं था। कैसा लग रहा है फेवरेट यूट्यूबर? अब तो मुझे वही वाला गाना याद आ रहा है, एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया भाई। खुशी पीयूषी ट्रिगर्ड इंसान से मिलना है, और जरूर। और एक और इससे बढ़िया खबर, इससे बढ़िया खबर, खबर खबर मजा आ जाएगा। मार क्यों रहा है? तो ये जो सेकंड न्यूज है, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जब होगा तो आपके लिए सरप्राइज होगा, आपको चल जाएगा पता। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये दो न्यूज आई सीधा आते स्कूल से। मैंने कहा खाना खा लो फिर जाना। आप कब खाओगे? मैं भी खाऊंगी। चलो आप भी चलो ना, चलो आप भी चलो। ये किसकी है? अच्छा तेरी भी धोनी है? नहीं नहीं मेरी। चलो आप भी चलो, चलो चलो आप भी चलो, और ये आप भी चलो। हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं जल्दी जल्दी। टाइम क्या हो गया रे? अरे 2 बज गए पीयूषी, अंधेरा हो जाएगा अपने आते आते। झूले होंगे भाई, झूले झूलेंगे वहाँ। क्या बनाया? चावल बनाए होंगे। चावल और इसमें क्या है? हरी सब्जी, चपड़ कद्दू। चिल्ली की तरह होता है चपड़ कद्दू। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड चपड़ कद्दू, चपड़ कद्दू, चपड़ कद्दू। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, एडिट करके तूने मेरा इमेज बना दिया, इमेज मेरे में मीम। खाना हो गया है और 2:30 बज चुके हैं यार, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम, कब आएंगे, जल्दी निकलते हैं तैयार होके। तो अभी हम हाईवे पे तो पहुंच गए हैं, ओनली पीयूष और मैं ही आया। मैं साहिल को मना कर दिया, बिकॉज सोनू भैया को जाना नहीं था, तो वो अकेले बाइक में आता ना, उसकी बाइक स्पीड में भी नहीं चलती, तो अगर हम जाएंगे इस बाइक में तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अराउंड 20-30 मिनट में। इसीलिए अभी हम जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं किस तरह का है। एक्चुअली आज टाइम भी नहीं है ना हमारे पास, 3 बज चुके हैं फिलहाल, अभी 6 बजे अंधेरा हो जाएगा। हमारे पास 3 ही घंटे हैं, 3 घंटे में जाना भी है, आना भी है, और वहाँ पे घूमना भी है, खेलना भी है। चलते हैं चलो। है तो यही आसपास, में लास्ट टाइम भी गया था फ्रेंड्स के साथ में। चलो चलो चलो, पार्किंग मिल गई, खुश हो गया कुछ नहीं। और हेलमेट लग रहे, हेलमेट हाथ में रखना पड़ेगा, हेलमेट साथ में लेके चल। पीयूषी उसमें चलेंगे, उसमें करना क्या अपने को, कुछ खरीदना तो है नहीं, सबसे पहले उसी में चले क्या? तो अभी पीयूष कर रहा है ऊंट की सवारी, कैसा लग रहा है भाई? ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ऊंची जगह पे बैठ गए अपन। अरे इसकी पीठ तो बहुत टाइट है ना, लग रहा है ना दर्द? डर तो नहीं लग रहा, मजा आ रहा है।
अपनी पूरी ट्रेड फेयर की घुमाई हो रही है इससे, ड्रोन शॉट्स, सस्ते ड्रोन शॉट्स। तो गाइस आपको मैं सस्ते ड्रोन शॉट्स दिखा देता हूँ, ये देखो। पीयूसी मेरा हेलमेट जाएगा यार, मुझे हेलमेट की प्रॉब्लम हो रही है। ओए अपन ऊपर है, अपन ऊपर है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो गाइस अभी हम उस रोड से आए थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था। हेलमेट बचा लेना भगवान जी, टॉप पे है अभी अपन, टॉप पे। नीचे वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है, बैठेंगे उसमें? ना ना ना, बहुत खतरनाक है भाई, डर जाएगा तू। आप नहीं डरोगे? मैं भी डरूंगा ना। अब चला, अब चला, अब चला, अब चला, अब चला, अब चला, अब चला। ओ भाई, ओ ये, ओ पीयूसी डर लग रहा है। इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो। छोड़ियो मत, छोड़ियो मत, छोड़ियो मत। क्या एक्सपीरियंस है भाई। तो अब हम जा रहे हैं वापिस, हमारे साथ एक पोपट हो गया तगड़े वाला, मेरी बहस भी होगी थी बट फिर मैं आई कि मैं कहा छोड़ो यार, ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में क्या हुआ। जो लास्ट झूले में ये गया था ड्रैगन वाला, वो सिंपल सा था, जो उसकी टिकट थी 40 रुपये, ठीक है, मैंने दिया 100 का, उसने मुझे 10 रुपये वापस दिए, कह रहे तूने 50 दिए। मेरी बहस, मैंने कहा 100 का दिया है, 100 का दिया है, कह रहे नहीं 50 का दिया है। और जबकि मैंने ये पहले देखा था कि मेरी जेब में कोई 50 का है, मैं पहले 50 का ही दूंगा उसको ताकि 10 मुझे वापस दे दे, फिर नहीं मिला तो मैंने 100 का ही देना पड़ा। ये चीज़ मैंने देख के दी थी कि 100 का दिया है। गलती मेरे से ये होगी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई देते हुए, यूजली मैं बनाता हूँ ना देते हुए, अब मेरे पास प्रूफ भी नहीं था। उसने कहा कि ये नोट था, मैं कहा यार क्या यार, बुरा तो लगता है यार कोई आपके आंखों के सामने ऐसे झूठ बोलेगा। तो बात पैसों की नहीं, अगर टिकट मान लो 100 की होती तो 100 की भी देनी पड़ती मुझे, फिर उसको झूलना था, बट एक ईमानदारी की बात होती है ना। अरे 5 भी नहीं बजे अभी तो, अब 2 घंटे से पहले आ गए, देख ले घूम फिर के आना जाना सब हो गया। अच्छा पीयूसी और विनोद, शारदा आ गए हैं, ओली शारदा आ गए हैं, ओलू देख लो मेरे पास नहीं आ रहा, विनोद के पास जा रहा है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हम 2 घंटे के अंदर जाके आके घूम फिर के आ चुके हैं, ट्रेड फेयर मैंने तो ऑलरेडी देख रखा था बट पीयूस कह रहा था मुझे दिखा दो दिखा दो दिखा दो, इसको भी दिखा लिया मैं, कैसा लगा? अच्छा था, ठीक ठाक, ठीक ठाक था, इसे ज्यादा पसंद नहीं आया। और हम कुछ ना खा के आए ना ही कुछ लेके आए, हम ना कहीं भी जाते कुछ लेते नहीं कभी, हम पूरे नैनीताल घुमाए कहाँ कहाँ, हमने कुछ भी नहीं लिया किसी मार्केट से, कुछ शॉप से कुछ भी लेते हैं, बस एक टोपी ली थी आपकी। हाँ टोपी ली थी बस, बाकी आज भी वहाँ बहुत कुछ था क्योंकि ना हम मतलब नैन सुख भोग लेते हैं, देख के ही हमारा मन भर जाता है कि छोड़ यार। एंड फिलहाल पीयूष जिद कर रहा है कि मुझे पतंग और रील लाके दो बिकॉज कल बसंत पंचमी है। 350 का देखना मामा जी, वही लाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, कौन से 500 रुपये तेरे। अच्छा तो पीयूष कह रहा है 500 रुपये उड़ाऊंगा पूरे पतंग पे, 350 रुपये की रील लाऊंगा बाकी और पतंग लाऊंगा। इसको पता है किसी से घमंड हो रहा है, सब्सक्राइबर आते हैं ना वो घर देके जाते हैं इसको, तब मत देके जाया करो गाइस, मत देके जाया करो प्लीज, घमंड है। मेरे को तो लग रही है भूख, तो मैं बना रहा हूँ मैगी, मैं पूरा स्टॉक लेके आ रखा हूँ, तो इसमें से एक पैकेट बनाते हैं। प्याज टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट लिया, आज थोड़ी अलग टाइप से मैगी बना रहा हूँ मैं, तड़का लगा के, तो मैंने तेल डाल लिया इसमें, तेल गर्म हो चुका है, हाथों के ऊपर छींटे आएंगे यार। ओहो है? तो अपनी अलग बनाइयो भाई, तो सिंपल बनाइयो, मैं सिंपल नहीं बना रहा, मैंने हरी मिर्च काटी है, तो हरी मिर्च वाली खाता नहीं है, ठीक है, तो अलग बना लियो, कोई टेंशन नहीं है। तो दिखने में कुछ ऐसी लग रही है, देखो इसमें हरी हरी मिर्च भी, टमाटर वमाटर सब दिख रहे हैं। तो ऑल मैगी लवर्स हिट द लाइक बटन। तो मैगी रेडी है, अब खाते हैं इसको, वेरी एक्साइटेड। तो जो जो उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये बना तो दी, बट बिल्कुल भी ज्यादा मतलब टेस्टी नहीं लग रही, अजीब सा टेस्ट आ रहा है, कुछ प्याज का, टमाटर का, हरी मिर्च का, मैगी का टेस्ट कम ही आ रहा है इसमें। तो गाइस कभी ट्राई मत करना, सिंपल ही बनाओ, सिंपल मैगी का टेस्ट आता ना वो अच्छी लगती है, मैगी मसाला का। तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया बट क्या करें, बनाइए मैंने तो मुझे खानी पड़ेगी, मेरा ही पोपट हो गया। अच्छा वो पीयूस के लिए नहीं बनाई, एक ही पैकेट बनाई, वो अब आराम से खाएगा। पीयूस यार वुड यू लाइक टू ट्राई, मिर्च इतनी तगड़ी हो रही है ऊपर से, मतलब मैगी का टेस्ट नहीं आ रहा इसमें। खाओ पूरी खाओ, एक बार चक्के देख, एक बार थोड़ी चक्के देख, थोड़ी सी चक्के देख, मजा आ जाएगा। ले ले जा बना ले अपने लिए।
ले ले, अब तो साफ ऐप तो बना सकता है इसमें। अरे कुछ नहीं है, बना ले ना। ले, मेरी तो हालत खराब होगी, मैं ही खा के नाखों से पानी आ रहा है। हाँ बोल, क्या मैं आऊं? अरे वाह, पतंग मिल रही उड़ाने के लिए, वो भी फ्री में। देख लो, हमारे पड़ोसी पतंग उड़ाते तो हम भी उड़ा सकते हैं उसको। देख ले पीयूष, तू खुद नहीं देता कभी। पतंग दिखाऊं क्या? बोरी, ये देखो, ये रील है ना, ये रील है, और वो सामने पतंग आपको दिख रही होगी। ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा इसको। तू ले आया क्या? तभी कह रहा पीयूष दिला मुझे यार। अब तो वो लेके रहेगा भाई, तूने ले लिया तब तो लेके रहेगा। 350 का लेके आया है, 350 का लेके आया है। रील तो सही है भाई यार, अब तो पीयूष लेके रहेगा। इतनी सारी क्यों ले आया फिर? तो अब पीयूष का दोस्त ले आया है, तो वो पीयूष अब जिद करेगा कि मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। तो देखते हैं क्या होता है, कहानी में क्या ट्विस्ट होता है। मैं तो मना ही कर रहा हूँ लेने के लिए, देखो इतनी देर करेगा क्या, एक ही दिन तो पतंग उड़ानी है। तो वो है ओरियो का दुश्मन जो कि ये वाली पतंग उड़ा रहा है। एन ओरियो, ये रहा ओरियो अपने दुश्मन को देखते हुए, वो रहा दुश्मन, ये रहा ओरियो। ओरियो वो देख, तो अभी सनसेट होने वाला है। एक सन वहां दिख रहा है, एक वहां दिख रहा है। मैगी बन रही है तेरी? बन रही है, देख के आते हैं कैसी बना रहे। हाँ भाई, ये होती है मैगी, सिंपल। लेकिन पानी ज्यादा डाल दिया तूने भाई, पानी ज्यादा डाल दिया तूने। किसी एक चम्मच दे देगा, एक चम्मच। मैंने तेरे को बोला था जब मेरी थी कि खा ले, तूने नहीं खाई, तेरी गलती है। अब तेरी में से मैं बोलूंगा भाई, एक चम्मच मुझे देनी पड़ेगी तुझे। क्यों? ठीक है, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि खाओ। मैंने तो कहा था ना, तो इसमें मेरी गलती थी, आपने कहा नहीं कहते। मार खाएगा? हाँ। कौन हो? मैंने कहा चाय पी ले। हाँ। चाय पी के इसके लिए पतंग ला दे मम्मी यार, पतंग ओरिया का खाना ला दे कुछ। ओरिया का? ओरियो है वो, अब ओरिया जो भी है। ओरिया वाह, जो भी है, फिर ओरियो कह दिया, शॉर्ट है वो ओरियो। ओरिया है मत बोलो, ओरियो है वो। पहले पहले पतंग लेके आओ, चलो। पतंग मैं कहाँ से लेके आऊँ? 12 पतंग चाहिए बल। पता है क्या कह रहा है? मैं बताऊँ? 10 पतंग ले आ, बहुत है। 10 पतंग? मेरी बात सुन, आज भी बहुत है। मेरी बात सुन लो, जो ये सामान लाने के लिए कह रहे है ना, वो सामान कम्प्लीट 500 रुपए का आएगा। 350 रुपए की रील कह रहा है, ये 10 पतंग कह रहा है, लगा लो अब। क्या करेगा इतनी रील का? रील तो नहीं, रील तो कम ले आऊंगा, भरा लूंगा चरखे में। कितनी लाएगा? 100 की तो ले आऊंगा, 200 को ले आऊंगा बस। 100 की पतंग ले आ, 100 की रील ले आ, कम है? कम नहीं है, चलो 100 की आ जाएगी दर्जन पतंग। अभी चलेंगे चाय पे के चलेंगे। ठीक है ठीक है, मैं थक गया यार, लेकिन मम्मी भी थक गई है। अरे एक बार चाय पियो फिर एनर्जी आ जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो बाहर अंधेरा भी हो गया है, अंधेरे में जाना पड़ेगा इसके लिए पतंग लेने के लिए। दिन में पता नहीं कहाँ था, मेरे को बोलता था। मैं कह रही हूँ दिन में बोलता ना, दिन में बोलता तो मैं ले ही आता ना। इसको ना इसी टाइम याद आती है कोई चीज की हो, दिन रात में कुछ नहीं कहेगा ये। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45, और मार्केट के 2 चक्कर ला के आ गया हूँ मैं। एक तो ओरियो खाना, और पीयूष के लिए फाइनली पतंग और रील मैं ले ही आया। बिकॉज वो मानता तो है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, हमारे एज में हम भी नहीं मानते थे। दिखा देता हूँ आपको, यहीं दिखा देता हूँ। ये बड़ी सी मोटी सी पतंग आ गई। तो देखो इतना सारा मांजा भरवा के लाया ये। 150 रुपए का? हाँ सही है, 150 रुपए का ठीक है, 350 से तो ठीक है। और 10 पतंग लेके आया देखना। छोड़ा, हमारी सस्ती अनबॉक्सिंग करेंगे। देखो भाई इतना टाइम नहीं है, पूरी वीडियो इसी में चली जाएगी। ठीक है, बस दिखा दिया था 10 पतंग है तो है। ये क्या लेके आया? तो ना ही ज्यादा महंगा ना ही ज्यादा सस्ता सामान लेके आए, ओनली 200 रुपीज का लेके आए हैं। 150 रुपए की रील और 50 रुपए की पतंग। बेटे हमारे टाइम में हम इतना भी लाते, अब तो लूटते थे। हाँ लूटते थे गाइस, पतंग कभी नहीं खरीदी हमने, पतंग लूटते थे हम, मार खाते थे लूटने के चक्कर में। तो गाइस अब देखना है, इसकी पतंग और रील आ चुकी है, और ये कल अब उठते ही शुरू हो जाएगा, नहाएगा भी नहीं है, खाना भी नहीं खाएगा, उठते ही पतंग उड़ाने शुरू हो जाएगा। कल दिन ही पतंग उड़ाने का है बसंत पंचमी। कौन सी उड़ाऊंगा मैं? देखो कौन सी उड़ाएगा, इन्हीं में से कोई उड़ाएगा, मेरे से पूछ ले तू, मैं उतर दूंगा तेरे को। 11 बताया। अब तेरे को नींद नहीं आएगी ना आज, मेरे को पता है, एक्साइटमेंट की मारेगी, कल पतंग उड़ानी, कल पतंग उड़ानी, तेरे माइंड में यही चल रहा होगा बस अब, कि कल पतंग उड़ानी, कल पतंग उड़ानी, कल पतंग उड़ानी, कल सुबह जल्दी उठ के ना। इसका मतलब समझ रहा? आराम से कल पूरा दिन भर उड़ाइयो, घूमरे 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 घूमरे। अभी मैंने ना ही एडिटिंग किया है, ना ही डिनर किया है, बस मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे नींद आ रही है तकड़ी वाली, थकान सी लग रही है, सोच रहा हूँ सो ही जाता हूँ, खाना ऊपर ही ऑर्डर कर लेंगे, मंगा लेंगे मम्मी से। ठीक है मैं सोता हूँ, एडिटिंग बाद में देखेंगे, सुबह देखेंगे, एक दिन तो आगे चल ही रहे हैं अपन। तो अभी रात के 10 बजने वाले हैं, और अभी पीयूष आया था मुझे उठाने, मुझे लगा सुबह हो गया है, मैं उसको कह रहा हूँ कि पतंग उड़ाने लग गया कह रहा है अभी शाम ही हो रही है, फिलहाल मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, बहुत देर से खाना खाता हूँ और फिर सो जाऊँगा मैं। और उसके बाद मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा,
हे गाइस, तो अभी रात के 1 बजे हैं और अब मेरी नींद खुल गई है फाइनली, और याद आया कि एडिटिंग करनी है, तो अब एडिटिंग करते हैं। शायद मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, बट चलो कोई बात नहीं। व्लॉगर लाइफ, जब उठो एडिटिंग करो, व्लॉग बनाओ, बट थोड़ी बहुत मेरी नींद पूरी हो गई है। एंड हमारा ओरियो सो रहा है आराम से मेरे पैरों में। इसका फेस किस साइड है? अरे यहाँ तो पूछ है। ये रहा, वही उठी है लड़की, हंस रहा है, देखो लग रहा है ना हंस रहा है। सो जा वाली, सो जा। सो फाइनली मेरी एडिटिंग भी हो चुकी है, तो अभी विंडो में ही कर रहे हैं, अभी करेंगे मैकबुक में भी करेंगे, टाइम आएगा चल जाएगा पता आपको। और अभी टाइम हो गया है 2:54, तो अभी 3 बजने वाले हैं, बट वीडियो हो गया अपना, इसको रेंडर करेंगे फिर सो जाएंगे और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। मैंने पहले ही एंड कर दिया था, बट चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कहीं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड और ये पता नहीं क्या हो गया, चलो ऊपर नीचे ठंडा है आज तो भाई, यही करेगा आपको गाइस। अरे चलो यार ऊपर, चल चुपचाप ऊपर, यहाँ यहाँ सो, बैठ आराम से, ठीक है बाय बोल दे गाइस को, बाय। हे गाइस, तो अभी दिन के 2 बजने वाले हैं, पीयूष भी आने वाला है, अभी चलेंगे। एक चीज मैंने देखी अभी,